जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। यहाँ से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं, एक दो होते तो ठीक था लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1,80,00,000, और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रहकर के मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में ये देश का चुनाव है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी।
जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है, एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से है। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है, वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है, इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है।